हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। तो ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये नो कांटेक्ट सेपरेशन वालों के लिए है। हम इसमें चेक करेंगे नो कांटेक्ट में जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके एनर्जी क्या होते हैं, बातचीत करने की उनकी इच्छा होती भी है कि नहीं, कॉन्टैक्ट करना वो आपको चाहते हैं कि नहीं, हाँ तो क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ तो कब तक करेंगे, और अभी तक क्यों नहीं किया हुआ है उन्होंने, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं आपको कांटेक्ट अगर आप वेट करो, इंतज़ार कर रहे हो, तो क्या है उनकी एनर्जी, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आप साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स नो कांटेक्ट में, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं जब बातचीत नहीं हो रही है, तो इनका माइंड डिस्टर्ब है, ठीक है, स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे मुझे, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो काम हो रिश्ता हो, सही चीज़ों पर फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में किसी न किसी के साथ प्रॉब्लम्स चल रही है आपके अलावा, ठीक है, आपके रिश्ते के अलावा, फादर से हो सकता है, फैमिली में किसी पर्सन से हो सकता है, किसी आउटसाइडर से हो सकता है, ठीक है, जिनका इम्पैक्ट इन पर पड़ा है काफ़ी ज़्यादा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं वो। एग्जॉशन, थक चुका हूँ मैं, थक चुकी हूँ मैं जो सिचुएशन है उससे, अब मुझ में शक्ति ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ एफर्ट्स कर सकूं, कभी मैं इसके लिए मजनू बना हूं या क्या। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, ठीक है, ये मेल हैं फीमेल हैं, इनकी एनर्जी यही है कि मैं दीवानी बनी हूं या दीवाना हुआ हूं इसके लिए, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो भी मैंने इसके लिए किया, जो इज़ अ गर्ल या बॉय, मैन वूमैन जो भी हो, मैंने लिमिट क्रॉस किया इसके लिए, पर फिर भी कदर ही नहीं है इसको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं एक सही पर्सन नहीं हूँ, मुझ में कितना सारा खामियां हैं, मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ, मैंने जिसके लिए इतना कुछ किया अपने लाइफ में, आज वही नाराज़ है मुझसे, आज उसके साथ ही सही नहीं चल रहा है रिश्ता रिलेशनशिप, करूँ तो क्या करूँ आखिर, मन है कि उसके बिना कहीं लग ही नहीं रहा है, दिल है कि उसके बिना सुकून मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करूँ मैं। उसी एनर्जी में हैं जो मैंने आपको बताया, कहीं पर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं, इनका दिल और इनका दिमाग आपकी ओर ही लगा हुआ है, ठीक है, लाइफ से थक चुके हैं, इस वाले एनर्जी में हैं आपके पार्टनर। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या है उनका थॉट्स। स्ट्रेस में है, तनाव ले रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपको लेकर, जो भी आप दोनों का सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ये महसूस कर रहे हैं काफ़ी डीपली गहराई से कि आपके बिना इनके लाइफ कुछ नहीं है, ये व्यक्ति कुछ नहीं है, ना आपके बिना कोई खुशी है ना ही सुकून है, फाइट करके पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, फाइट तो कर लिया आपसे, इस फाइट को ख़त्म करना है। इनकी एनर्जी काफ़ी मिक्स वाला है, आपकी कोई बात सोच कर याद करके गुस्सा भी आ रहा है, कहीं पर पछता रहे हैं, ये नहीं कहना चाहिए था, कहीं पर काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं, उसने भी तो गलती किया था, पर ऐसा है जो भी हो वो सुकून है, वो ज़िंदगी है, उसके बिना कुछ नहीं है, उसी से ही हमारी लाइफ में कंप्लीशन है, कंप्लीट है, उसके बिना अधूरे हम हैं, हमारी ज़िंदगी है, इस वाले एनर्जी में है। आपके पार्टनर कहीं का गुस्सा कहीं निकाल भी रहे हैं, ठीक है, इस एनर्जी मुझे दिखाई दिए हैं, आपका गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं, या आप दोनों के बीच जो सही नहीं चल रहा है, ये चाहते हैं बात करना, ये चाहते हैं कंप्लीशन, एक होना,
पर हो नहीं पा रहा है। तो जो गुस्सा है, नाराज़गी है कि आप साथ नहीं हो, इसका गुस्सा किसी और पर निकालते हो, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या है इनकी फीलिंग्स यूनिवर्स, मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या मेरे व्यूवर्स से बात करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं। जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, मेरे व्यूवर्स को कांटेक्ट करेंगे? नहीं, ये आपका इंतज़ार करेंगे, आपका वेट करेंगे, आपको देखेंगे कि आप आओ, ठीक है? अगर आप एफर्ट्स करते हो, ये एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, एफर्ट्स पुट करेंगे, ठीक है? आपकी तरफ से एक्शन की ज़रूरत है, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपका इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे आपके आने का, और ये कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने का, बातचीत करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करके देखेंगे, पर ये व्यक्ति इसी एनर्जी में रहेंगे कि उसके तरफ से कुछ एक्शन मिले, उसके तरफ से कुछ गेस्चर देखने को मिले, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा ना, इनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि मैं उसको कांटेक्ट करूँ क्या, क्या करके देखूँ, वो नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहा है, तो मैं ही करके देखूँ, क्या मुझे खुद उसके पास जाना चाहिए? फिर ये सोचेंगे कि नहीं, वो भाव खाएगी, वो भाव खाएगा तो, और मुझे उसको देखकर ऐसा लग रहा है, उसकी एनर्जी फील करके ऐसा लग रहा है कि वो खुद नहीं चाहती, वो खुद नहीं चाहता, दूरियाँ वो बना रही है, बना रहे। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है या आप ऐसे एनर्जी इनको दे रहे हो कि इनको यही लग रहा है कि आप खुद नहीं चाहते, ठीक है? आप खुद नहीं चाहते उनको, तो ये मुझे आपके पार्टनर का थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और इनके इसी थॉट से डिले होगी, पोस्टपोन करेंगे ये, नहीं आज नहीं करता, आज नहीं करते, क्या पता वो खुद मुझे कांटेक्ट कर ले, तो मुझे देखना चाहिए उसको, इस तरह की एनर्जी में आकर ये डिले करेंगे, ठीक है? आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके पार्टनर यूनिवर्स, मुझे बताएं। जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे? क्रिएटर, एक्शन चाहते हैं आपकी तरफ से, ये चाहते हैं। आपके पास वो पावर है कि आप चाहो तो बिल्कुल इनके साथ एक लाइफ क्रिएट कर सकते हो, आप दोनों का एक लाइफ बन सकता है, आप दोनों साथ आ सकते हो, आप दोनों कंप्लीशन में आ सकते हो, अगर आप चाहो तो क्या से क्या नहीं हो सकता, ये इनका एनर्जी है। आपके पास वो पावर है कि आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जितना आपके पास पावर है चीज़ों को सही करने का, उतना इनके पास पावर नहीं है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ठीक है? इनको यही लग रहा है कि पावर आपके पास है चीज़ों को सही करने का, और ये एक्शन आपकी तरफ से देखना चाहते हैं। आप चाहो तो आप दोनों अभी इसी वक्त कांटेक्ट में आ जाओगे, ये इनका फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी तरफ से पॉजिटिव गेस्चर चाहते हैं, ये पॉजिटिवली एक्शन चाहते हैं आपके साइड से, मैच्योरिटी चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपको यूनिवर्स, मुझे बताएं। जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इनसे करेंटली, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इन्होंने पेशेंस बना कर रखा हुआ है, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी है इस व्यक्ति में आपको लेकर, बिल्कुल आपकी बेबी के फादर मदर बनना चाहते हैं ये, आपको बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे बिल्कुल इनको चाहिए, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से कर रहे हैं, ठीक है? इनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही हो, आप दोनों के बीच कुछ अंतर हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट रिलीजन है, ऐसा हो सकता है, पर अट्रैक्शन है यहाँ पर मेजर लेवल का, इमोशंस है, और ये चीज़ आप दोनों को साथ लाएगी।
यूनिवर्स का क्या मैसेज है, यूनिवर्स मुझे बताएं इन दोनों के बीच क्या हो सकता है नेक्स्ट, यूनिवर्स मुझे बताएं आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो इनके सिचुएशन को लेकर, क्या इनको एक्शन लेना चाहिए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल गाइस, अगर आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर टॉक्सिक नहीं है, अनहेल्दी नहीं है, या आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, राइट लगते हैं आपको, तो आप कर सकते हो, आप दोनों हार्मनी में आ जाओगे, आप दोनों साथ में आ जाओगे, ठीक है, आप दोनों के बीच बैलेंस बन जाएगी। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत रखें कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा, नहीं, चीज़ों को सही होने में, ग्रो होने में टाइम लगेगा, पेशेंस बना कर रखें, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर सही है बिल्कुल, तो आप ले सकते हो एक्शन, आप दोनों साथ में आ जाओगे, डेफिनेटली आ जाओगे, ठीक है, और आपका जो कनेक्शन है वो ग्रो भी करेगा धीरे धीरे, पर कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग हो दोनों, कास्ट रिलीजन अलग है, कुछ अंतर है, डिफरेंसेस है, तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है एक दूसरे को जैसे भी हो, और एक दूसरे के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, सही कम्युनिकेशन जरूरी है आप दोनों के बीच, बातचीत होगी गुड वे में होगी, हेल्दी वे में होगी, तभी तो सही होगी ना चीज़ें, तो ये करना आपको, ठीक है। तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बाय, टेक केयर। यहाँ पर साइंस आया है सबसे ज़्यादा एरीज, लियो सजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पैशिश, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, बाय गाइस, टेक केयर।